ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 21/9/64 सोमवार को, छठे पेज के आदि में बात चल रही थी अबलाओं के ऊपर अत्याचार, ये खिटपिट वगैरह। उनके बगैर थोड़े ही कोई विश्व का मालिक राज्य का बन सकता है। निश्चय बुद्धि एकदम पक्का चाहिए अच्छी तरह से। बाबा बोलते हैं, कभी भी हमारे पास चिट्ठी लिखते हैं, बाबा ये बहुत मारते हैं, ये ऐसा ऐसा सब करते हैं। बाबा कहते हैं मारते हैं तो खूब मार मार करके मार दें भले। तुम बाबा की याद में रहो, भले तुमको मार डाले। ऐसे भी अगर तुमको याद में मर जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसे याद में मरने के लिए तो बनारस में जाकर के देखो, शिवकाशी विश्वनाथ गंगा बोलते ही रहते हैं। किस लिए बोलते हैं? ताकि अंत मते सुगते हो जाए, अंत में मुझे शिव बाबा ही याद पड़े। यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, अगर तुमको कोई मार भी डाले तो क्या हुआ? लड़ाई के मैदान में मरते तो बहुत हैं। तुमको भी अगर इस युद्ध के मैदान में पति ने मार डाला तो उनको भी समझा दो कि हम बिख नहीं देते, अगर मुझे कुछ भी हुआ, एक दो दफा मारा भी तो मैं पुलिस को लिख दूंगी, तुम ही पकड़े जाओगे। बाबा ने ये राय बहुत दफे दी हुई है। देखो तुम उनको सताते हो ना, अच्छा मैं रात को गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दूंगी कि गवर्नमेंट को मदद देने के लिए मैं पवित्र रहती थी। यहाँ भारत में पवित्र राज्य स्थापन होता है और ये मुझे पवित्र नहीं रहने देते हैं, इसलिए मैं अपना आप घात कर लेती हूँ। अपवित्र बनना, इससे तो मरना अच्छा है। क्योंकि मैं भगवान का हुक्म तो कभी तोड़ नहीं सकती हूँ। गीता में भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। उन काम महाशत्रु पर जीत पहनने से ही हम और तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो ऐसी ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। सुसाइड कर लेने की बात नहीं बताई, युक्ति रचने की बात बताई। परंतु युक्ति कौन चला सकती है? जो मुट्ठी नष्ट हुआ हो और बाप से पूरा याद जुटी हुई हो,
अधूरी होगी, आधा उस तरफ और आधा इस तरफ में, तो एक टांग इस तरफ में एक टांग उस तरफ में, फिर तो लटक मरती है, बहुत दुखी होती है। यहां ऐसी हैं जो बहुत दुखी होती हैं। जब भी देखो तो उनकी अवस्था मुरझाई हुई होगी, ये अवस्थाएं मुरझाई हुई क्यों रहती हैं? क्योंकि बाप को भूल जाती है। उनको भूलने से एकदम जैसे छुई हुई होती है ना, एकदम सारा खिल जाती है, और बाप को न याद करने से एकदम मुरझा जाती है। ऐसा पुरुषार्थ कोई मासी का घर तो नहीं है, निरंतर बाप को याद करने के लिए कितनी युक्तियां बताते हैं। बिगड़ी बच्चों की बनेगी ही तब, जबकि बिगड़ी बनाने वाले को अच्छी तरह से निरंतर याद करें। जो कहते हैं मेरे को याद करने से विक्रमाजीत बन जाएंगे और फिर सर्विस करेंगे, जैसे मम्मा बाबा या जो दूसरी बच्चियां सर्विस करती हैं, बाप ने मत दी है और वो मत कल्प कल्प देते ही आए हैं, और ये राजधानी स्थापन जरूर हुई है, अभी होनी तो जरूर है ना। जो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वो कोई छिपे थोड़े ही रहेंगे, झट पता पड़ जाता है। पीछे ये तो जरूर है कि जरूर बच्चे भी ऐसे ही बनते हैं, जो संपूर्ण नहीं बनते हैं इसलिए रुद्रमाला के नीचे में चले जाते हैं, फिर उनको दास दासियां बनना पड़े। दास दासियां तो जरूर बनती हैं, क्योंकि यहां रहते हुए भी जो हंगामा करते हैं उनका भी तो पद होना चाहिए ना। क्या पद बताया है? बाबा के घर में रहते भी जो हंगामा करते हैं उनके लिए पद बताया, दास दासियां जरूर बनती हैं। कुछ भी गले में कंठी नहीं पड़ती है तो भी राजधानी में आ जाते हैं। कंठी पड़ना अर्थात कंठ में ज्ञान भरा हुआ हो, क्योंकि बच्चे तो बन गए ना, बहुत कपूत बच्चे हैं, पर बच्चे तो है ना। ढाई हजार वर्ष दास दास ही नहीं बनते होंगे, तो चलो 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष बनते होंगे, 100 वर्ष, यानी एक दो जन्म तो दास दासी में लेना पड़ता है ना। जानते हो, बरोबर जानते हो, जो बच्चे बनते हैं जो माँ बाप के पास रह जाते हैं उनकी फिर नॉलेज है, पिछाड़ी में आकर के कोई न कोई दास दासी बन जाते हैं,
2164 की वाणी का सातवां पेज। नहीं तो भला दास दासियां कहां से आवेंगी? कोई न कोई नाइलेज में तो आएंगे, ये भी तो समझने की बात है ना कि प्रजा को अलाउ नहीं है क्या है? प्रजा को अलाउ नहीं है राजघराने में आना, राजाई घराने में पास हो जाते हैं यहां से, कहां से है? नहीं, राजघराने में पास हो जाते हैं यहां से, जो बाप के पास रहते हैं समर्पित हो जाते हैं। बहुत कहती हैं कि हमको तो कृष्ण की मां बनना है, तो बाबा कहते हैं अच्छा भाई कृष्ण की ना मां नहीं बन सको तो कृष्ण की आया तो बनो, कृष्ण की आया भी तो चाहिए ना, जो उनको संभाले। कृष्ण तो मां से भी जास्ती तुम्हारी गोद में आएगा ना। किसकी गोद में? जो आया बनेगी। मां इतना नहीं संभालती जितना आया संभालती है। आजकल भी देखो बच्चे पैदा होते हैं झट उनको नर्स मिल जाती है, उनको दूध वगैरह पिलाना वगैरह वगैरह सब करती है। आजकल तो वो दूध भी नहीं निकालते हैं, दूध भी निकलवा देते हैं। ऐसी कोई युक्ति रचते हैं जो नर्स ही संभाले, वो ही दूध पिलावे। बहुत किस्म के निकले हैं, जैसे कि उनका बच्चा है वो संभालती है, और वहां तो कृष्ण है, उनको संभालने के लिए तो तुम बिल्कुल ही खुश हो जाओ। अरे कितनी खुशी होगी, कृष्ण की जन्माष्टमी आती है तो सब माताएं घर में बैठ करके उनको झुलाती हैं। अभी दूध कहां से पिलाएंगी? दूध भी तो वो पिलाती है ना, जैसे वहां वो दूध पिलाती है, अपना दूध तो नहीं देती होगी ना। कन्याएं भी प्यार करती हैं तो माताएं भी प्यार करती हैं, पर उनको अपना दूध तो नहीं पिलाएंगी ना, कोई ना कोई छोटा छोटा बच्चा बना देती है या कृष्ण की मूर्ति रख देती है, खुद नहीं पिलाती है ना, तो बरोबर वहां भी खुद थोड़ा ही पिलाती है। उनको भी ये नर्स मिलती है, ले जाती है, वो उनको दूध पिलाती रहती है। दूध पिलाती तो मां होंगी, परंतु पालना तो नर्स बहुत करती है ना। जास्ती सुख तो उनको मिलता है ना। यहां देखो कितनी माताएं कृष्ण को बैठ करके दूध पिलाती है, ये करती है वो करती है। अरे वहां तो कृष्ण तुम्हारी गोद में रहेगा, जैसे कि उनका स्नान पानी सब तुम करती हो, वहां दूध बकरी का या रीढ़ बकरे का नहीं, यहां तो बहुत पिलाते हैं। मां दूध पिलाती होगी, नर्स का नहीं पीते होंगे। बाबा कहते हैं ये रंग है, नर्स नहीं पिलाती है मां पिलाती है, परंतु संभालती सारा वो नर्स है। बाबा ने हॉस्पिटल का अनुभव सुनाया था, जब आंख खोली तो देखा
के ब्लड डाल रहे थे, पता नहीं कहाँ का है। कहा कि ये बंद कर दो एकदम, ये ब्लड हमको नहीं दो। आधा में छोड़ा दिया, क्योंकि नशा भी तो अपनी ताकत का रहता है ना, तो ताकत का नशा रहना चाहिए, बाहर वाले का ठीक नहीं है। अच्छा, कोई ब्राह्मण देवे तो दूसरी बात है, हम जिनसे ब्राह्मण का तो फिर और भी अच्छा हुआ। हम जिनसे माना, माता को ब्लड देना है तो कोई माता का ब्लड मिले, भाई को ब्लड देना है तो कोई भाई का ब्लड मिले, माना हम जिन्स का मिले। तो फिर हम जिन्स ब्राह्मण का ही अच्छा है, नहीं तो वो ब्लड तो फिर जैसे शूद्र का हो गया, वो तो असर कर देवेगा। ये तो ब्लड है एकदम रग रग में चला जाता है। हम लोग अन्न के लिए कितना कहते हैं कि किसका अन्न भी हमारे पेट में न जावे, ऐसे कोई शूद्र के हाथ से भी न खावे। फिर उसमें इनकी भी तो पावर चाहिए ना, उसमें समझ है, सयानापन, अपनी पावर चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा होना होता है कि मालूम पड़ता है कि हमको ब्लड देना पड़ेगा, तो बता देना चाहिए कि है कोई अनन्य बच्ची जो ब्लड देवे। ब्लड देने में तो कोई मनुष्य को बिल्कुल देरी नहीं लगती है, तंदुरुस्त को कोई देरी नहीं लगती है। अगर तुम्हारी कोई होवे तो तुम किसको ब्लड देंगे? ब्राह्मणों को ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, परंतु ब्राह्मण भी अच्छा हो। चलते चलते सच्ची कमाई में ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो बात मत पूछो। इक्कीस नौ चौसठ की वाणी का आठवां पेज। अब ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कि कैसी ग्रहचारी बैठती है, मीठा गुड़ जाने और उनकी गोथरी, जिसमें वो बैठा है वो जाने, यानी बाप दादा जाने। अभी समझा ना, गुड़ तो है ही बाबा, मीठा खंड तो वो ही है, और ये है उनकी गोथरी। कौन? अरे ब्रह्मा बाबा। उस समय की बात, चौसठ की बात, तो उनकी गोथरी जिसमें वो पड़ा है, कौन पड़ा है? हैं? शिव बाबा। तो वो जाने और ये जाने, कौन कौन जाने? शिव बाबा जाने अथवा ब्रह्मा बाबा जाने। तो मियां मिट्टू भी अपन को नहीं समझना है,
सब अच्छी तरह से साफ दिल होना चाहिए। साफ दिल तभी ऊंची मुराद हासिल होती है। कहते हैं ना, साफ दिल तो मुराद हासिल, अंदर में काला और बाहर में गोरा तो वो भी नहीं चल सकता है। यहां तो बड़े ही अंदर बाहर के सच्चे चाहिए, तभी सच्चे दिल पर साहब राजी होते हैं। साहब राजी होना चाहिए ना, हर एक का साहब कहो या मैम साहब का साहब कहो। मैम साहब हो ना, मैम साहब भी हो तो बच्चे भी हो। बच्चियां समझती हैं कि बरोबर हमारी बिगड़ी बने, हम कुछ भी नहीं है, हम तो पहले एक बंदर और बंदरी थी, अभी बाबा हमको मंदिर लायक बनाते हैं, तो सारा विश्व मंदिर और हम उनके बादशाह बनते हैं। जब विश्व में बादशाह बनते हैं फिर हमको यहाँ कोठरी मिलती है, जबकि वो बैठकर पूजा करते हैं फिर भी मंदिर में बैठने लायक बनते हैं ना। तो पहला मंदिर तो है शिवपुरी, विष्णुपुरी, वहां सतयुग है ना, उसको ही तो कहा जाता है ना सूर्यवंशी शिवालय। किसको है? पूरे सतयुग को है, जो सतयुग में पहली डायनेस्टी है सूर्यवंशी, उसको ही कहा जाता है सूर्यवंशी शिवालय। तो शिवालय वो नहीं, पहले उस शिवालय में सारे विश्व के मालिक बनते हैं, राज्य करते हैं, पीछे हमारे लिए बनाते हैं जिसमें हम पूजे जाते हैं और पूजा भी खुद अपनी करते हैं। वो भी जान गए कि हम भी करते हैं और दूसरे भी करते हैं। अच्छा, बच्चों को टोली खिलाओ, वो तो है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। कौन है वर्ल्ड की ऑलमाइटी अथॉरिटी? हम बोर्ड बनाए रहे हैं जिसमें सारा अच्छी तरह से लिखना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। कौन है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी? गीता का भगवान, साकार या निराकार? और वो सारी सृष्टि का भगवान या सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी चंद्रवंशियों का भगवान? श्री कृष्ण को कभी भी कोई सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते हैं। कैसे सर्वशक्तिमान कहें जबकि उस बिचारे की डिग्री कमती होती जाएगी। कहां है डिग्री, कहां कमती हो जाएगी कृष्ण की? सतयुग में डिग्री कमती हो जाएगी या बढ़ जाएगी? क्योंकि
फिर जो दिन बीतेंगे तो कला कमती होती जाएगी। और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहाँ की बात है, ये तो संगम में विश्व के मालिक बनते हैं, और तुम बच्चे ही विश्व के मालिक बनते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि सर्वशक्तिवान की कला तो हमेशा कायम रहती है। अविनाशी रहती है। कहाँ? संगम युग में। तुम्हारी सर्वशक्ति कोई अविनाशी थोड़े ही चलती है। तुम्हारी माने किसकी है? कृष्ण की। और संगम युग में अविनाशी है, बाकी हर जन्म में थोड़ी ही अविनाशी रहती है। फिर गिरते गिरते देखो शक्ति चली गई, फिर वो आकर के शक्ति देते हैं। इसलिए उनका ही नाम है सर्वशक्तिवान। मनुष्य को कभी नहीं कहा जाता है सर्वशक्तिवान। अति मीठे मीठे से खिल दे ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, नंबर वार याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज सोमवार है ना, सोमवार के दिन शिव की होती है, और गुरुवार के दिन शिव बाबा फिर सोमनाथ के नाम से पढ़ाते हैं। क्या अंतर है? सोमवार और गुरुवार में क्या अंतर है? सोमवार और गुरुवार है, सोमवार नहीं सोमनाथ, सदगुरु है ना, तो कौन सा दिन अच्छा? दोनों में सोमवार अच्छा? मैं कुमारका से पूछता हूं कि सोमवार अच्छा या गुरुवार अच्छा है? कुमार का दादी ने बोला आज सदगुरुवार है, अभी गुरुवार अच्छा, सोमवार अच्छा नहीं है, तो वो भी अच्छा, क्या सोमवार भी अच्छा? भाई शिव बाबा ना आए तो पढ़ाई कैसे, तो क्या अच्छा? सोमवार पढ़ाने वाले का दिन है, पढ़ाई टीचर पढ़ाता है या टेक्स्ट बुक पढ़ाती है? ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो गीता निकली या गीता का अर्थ निकला, व्याख्या निकली? गीता निकली, उसको ज्ञान अमृत थोड़े ही कहेंगे। ज्ञान का अमृत तो तब कहा जाता है जबकि मंथन करके उसकी व्याख्या की जाए। अच्छा, ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 21964।
1966 में भी रिपीट हुआ नहीं बंद करो। बाप और बच्चों का स्वीटेस्ट संबंध, इसको प्यारा संबंध कहा जाता है। कहा जाता है ना स्वीट स्वीटर फिर स्वीटेस्ट। बाप भी बहुत मीठा प्यारा तो बच्चे भी बहुत मीठे प्यारे, क्योंकि इनको पहचान मिलती है कि बरोबर फिर कल्प के बाद मीठा बनने के लिए मीठे शिव बाबा की आकर संतान बनते हैं। संतान थे फिर भूल जाते हैं, फिर गोया जैसे कि रावण की संतान बन जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं है? पहले आत्मा समझते थे, बाप ने बताया तुम आत्मा हो, तो आत्मा के बाप को पहचाना, मीठे बाप के मीठे बच्चे बने। फिर 5-4 वर्ष के बाद पूरे रावण की संतान बन जाते। क्यों? अपन को देह समझने लगे, हम थे ईश्वर की संतान। तो ये कितना स्वीटेस्ट संबंध है, और वो फिर उनके अगेंस्ट कितना कड़वा संबंध है। कौन सा है मीठा संबंध? कौन सा? ईश्वर की संतान। और कड़वा संबंध रावण की संतान। कड़वा बंधन कहे, संबंध न कहे। क्यों? संबंध तो सुख के लिए होता है और बंधन दुख का होता है, परंतु बंधन कहे अथवा जीवन बंध कहे, सारे जीवन का बंधन। जबकि स्वीटेस्ट बाप है तो जरूर बच्चों को इतनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, और चढ़ना है पुरुषार्थ से। खुशी का पारा काहे से चढ़ेगा? पुरुषार्थ से, क्योंकि वहां से अपनी जंजीरों को काटना है। कहां से है? रावण राज्य से अपनी जंजीरों को काटना है, ऐसे कहेंगे ना। इस समय बाप के सिवाय और कोई की भी याद न पड़े। अब ये कब हो सकता है? जबकि शरीर छोड़ने का समय आता है। इतना पुरुषार्थ करना होता है पिछाड़ी में और कोई भी याद न पड़े। फिर इसको अब भी बिचारी याद कहो, क्योंकि एक के साथ याद व एक की पूजा, उनको अभी विचारी पूजा या विचारी याद कहा जाता है। अब यहां पूजा तो करनी नहीं होती है, वहां भक्ति मार्ग में पूजा करनी होती है। पूज्य बनने के लिए फिर पूजा छूट जाती है, फिर सिर्फ याद रहती है। कब? सिर्फ याद कब रहती है? है? पूजा जब रहती है तो पुजारी, और जब सिर्फ याद रहती है आप भी बिचारी याद, तो क्या कहेंगे हैं? पूजा छूट जाती है, क्योंकि पूज्य बन गए। फिर सिर्फ याद रहती है। भक्ति मार्ग में किसको किसकी भी याद करें, शिव की या त्रिमूर्ति में से कोई की भी, तो इतना कोई फल नहीं मिल सकता है जितना इस समय की याद में फल मिलता है। क्योंकि उस भक्ति मार्ग के समय की याद में किसको ये पता नहीं पड़ता है कि हमको इसकी याद से क्या मिलना है।
चाहे ब्रह्मा की याद करते हो, विष्णु की याद करते हो, शंकर को याद करते हो, लेकिन पता नहीं पड़ता। यहाँ तो बच्चे जानते हैं कि बाप की याद से बाप का वर्षा मिलना है, बड़ी प्राप्ति है। भक्ति मार्ग में प्राप्ति का कोई पता ही नहीं रहता है। इस समय में समझा जाता है कि भक्ति मार्ग में प्राप्ति तो नहीं, परंतु और ही कंगालपना होता जाता है। देखो, भक्ति मार्ग कौड़ी जैसा बनाई देता है। तो अभी बच्चे जानते हैं कि एक बाप की याद में रहना है। भक्ति मार्ग में तो सभी मित्र संबंधी भी याद पड़ते हैं ना, देवताओं की भी याद या पूजा करते हैं, और फिर मित्र संबंधियों की भी याद बहुत रहती है। यहाँ तो न मित्र संबंधियों की याद और न कोई देवी देवताओं की याद। क्या कहा, कहाँ? यहाँ संगम युग में भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? तो याद किसकी है? एक बाबा की याद, और कोई नहीं याद आता है। याद आता है या नहीं आता है? आता तो है। तो भगत है या पूज्य बने? अभी भी भगत है। कितने साल के बाद है? बाबा को आए कितने साल हो गए है? 80 साल होने जा रहे हैं। और अभी भी भगत के भगत ही बने हुए। क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ तो एक ही याद होनी चाहिए, तो और ही तकलीफों से छूट जाते हैं। बहुतों की याद से अच्छा है कि एक को याद रखें, तो और ही सहज हो जाता है। वहां भक्ति मार्ग में तो बुद्धि कितनी भटकती रहती है। और अभी भटक रही है कि नहीं? नहीं भटक रही। झूठ है, झूठ मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं, बिल्कुल नहीं भटकती है। बुद्धि भटकती है, इसमें बुद्धि को भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस एक के साथ जो जितना जितना योग लगाते हैं या बाप को याद करते हैं, उनको बहुत ही प्राप्ति होनी है। क्योंकि बाप की याद से वर्षा और वर्षे की याद से जरूर बाप याद आएगा। ये दोनों का कनेक्शन है। क्या कहा है? बाप की याद से अपना वर्षा याद आएगा कि राजधानी में हमको कौन सा पद मिलना है, और वर्षे की याद से हमें अपना बाप याद आएगा। दोनों का कनेक्शन है। वर्षा अक्षर लगता ही है बाप के साथ, और बाप के साथ वर्षा का अक्षर लगता है। बच्चे ये जानते हैं कि बाप से ही प्रॉपर्टी का वर्षा मिलता है, और तो कोई से भी प्राप्ति का वर्षा नहीं है। 2964 की वाणी का दूसरा पेज। यहाँ लौकिक बाप से हद का, वहां पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो क्या है? यहाँ लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, और वहां, वहां माने कहां? वो संगम युग अभी या वहां है? अभी वो संगम है जहां वर्षा की प्राप्ति महसूस हो रही हो है? जो आने वाला स्वर्णिम संगम युग है, वहां की बात बताई। ये सब तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने बाप द्वारा अपने बाप को जाना है। क्या कहा, इसका क्या मतलब? बाप के द्वारा
अपने बाप को जाना है। ये कौन है बाप और कौन है अपने बाप है, है जिन्होंने बाप द्वारा द्वारा माने साकार, तो कौन हुआ साकार है, है जो प्रजापिता ब्रह्मा उसके लिए कहेंगे, ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे। क्यों, उनको तो खुद ही बाप का पता नहीं था। बाप ने बच्चों को शो किया है, बच्चों को फिर बाप का शो करना है। कैसे कि अभी हमको बेहद का बाप मिला है, दो बाप तो चलते आए हैं, इसलिए अब अपने बाप से ही योग जुटाते हैं। ऐसे नहीं है कि उन बाप से कोई टूट जाती है, वो होते हुए भी फिर उस बाप को याद करना है। क्या कहा है, ज्ञान में आने से जो लौकिक बाप है उससे टूट जाती है क्या, तोड़नी चाहिए नहीं, वो होते हुए भी फिर उस पारलौकिक बाप को याद करना है, क्योंकि इस कलयुगी पतित गृहस्थ व्यवहार में रहना तो जरूर है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर फिर अपनी अवस्था को जमाना है, परंतु जो बंधन मुक्त है वो बाप के साथ भी रह सकते हैं। क्या कहा उसको, लौकिक बाप को छोड़ना नहीं कहेंगे, बंधन मुक्त माने जो लौकिक बाप है वो भी परमिशन दे दे कि जाओ ईश्वर की सेवा में लग जाओ, तो बंधन मुक्त हुए या बंधन युक्त हुए, बंधन मुक्त हुए। तो बाप के साथ में चाहिए, माँ बाप और कुछ तो बच्चे घर में रहने चाहिए ना, तो जो भी रहते हैं सो सभी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, बच्चे जानते हैं कि बरोबर गुप्त वेश में बाप आए हैं, इसको गुप्त वेश कहेंगे। देखो वेश तो है ना कि नहीं है, मनुष्य का वेश है। बाप स्वयं आकर कहते हैं कि मैं इनमें इनका रथी बना हूं, यहां कोई घोड़े गाड़ियों की बात थोड़े ही है, यहां तो रथ है इनको ही कहा जाता है, वो अर्जुन का रथ समझते हैं कौन, शास्त्रकार लोग नहीं, ये ब्रह्मा का रथ है। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो सकते हैं, अर्जुन से ब्राह्मण कैसे पैदा होंगे। तो ऐसे ऐसे बच्चों को अपने साथ आप ही वार्तालाप करना चाहिए, उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो कहां भी हो, भले विलायत में हो, तो भी यही तो याद करना है कि बाबा आया हुआ है। जरूर बाबा आए हुए हैं तो फिरता होगा, और देखते हो कि कल पहले मुआफे की विलायत में भी होगा, कौन है कौन फिरता होगा है, भक्ति मार्ग में तो गाते हैं गट गट रमते राम रमैया है, कौन रमता है, घट माने हर के हरेक के हृदय में, तो फिरता तो जरूर होगा। देखते हो कि कल पहले मुआफिक विलायत में भी होगा, कोई बॉम्बे में भी होगा, कोई कहां होगा, अभी तो तुम जान गए हो कि वहां कोई शहर है, गांव वगैरह तो लिखे हुए हैं नहीं, ये तो युद्ध का मैदान है। गांव शहर वगैरह नहीं लिखा है गीता में, अरे कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं लिखा हुआ है, है? लेकिन उन्होंने वो मैदान समझ लिया है कुरुक्षेत्र, वो शहर के पास जो मैदान है उसको कुरुक्षेत्र समझ लिया। वास्तव में कुरुमानी करना
ये कर्मों का युद्ध क्षेत्र है। जैसे धर्म अनेक होते हैं ना, तो अलग अलग धर्मों में कर्मकांड अलग अलग होते हैं या एक ही जैसे कर्मकांड होते हैं? तो जो अलग अलग धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, वो सब अपने अपने कर्मकांड को सच्चा बताते हैं और दूसरों को गलत बताते हैं। तो ये युद्ध क्षेत्र हो गया कर्मों का। बाकी वो कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, जो दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र शहर है, उन्होंने तो वो छोटा सा शहर समझ लिया। अब वहां 18 अक्षौणी सेना कहां से आ जाएगी? 18 अक्षौणी सेना माने सारी दुनिया की जितनी जनसंख्या है मनुष्यों की, वो सब छोटे से कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे समा जाएगी? तो कोई शहर या गांव की बात नहीं है, ये तो युद्ध का मैदान है। यूरोपवासी यादव कौरव पांडव क्या करत भय? यादव किसको कहा जाता है? इसको मालूम थोड़े ही है यादव कौन थे। ये गीता से भी कभी भी किसी को पता नहीं पड़ता है। अब तुम बच्चों को पता पड़ा कि यादव इन्हों को कहा जाता है, आगे इनको यूरोपियन से कहते थे। किनको है? यादवों को। अभी उन लोगों ने इनका नाम बदल दिया है। जरूर कर पहले भी ऐसे ही बदला होगा और श्रीमत पर बदलाया होगा, सब कुछ बदलाया, बरोबर उनों को ही यादव कहा जाता है। यादव उनों को कहा जाता है जिसके लिए महाभारत में लिखा है कि उनके पेट से मूसल निकले, मूसल नहीं मिसाइल से निकले। तो जिन्होंने बांस वगैरह बनाए हैं वो यादव संप्रदाय हैं। बांस तो सिर्फ लिख देते हैं मूसल। अभी मूसलों से क्या हुआ? अभी तो प्रैक्टिकल में जानते हो ना कि मूसलों से क्या होता है, हैं? गीता से थोड़े ही मालूम पड़ता है कि बांस होते हैं, फेंकेंगे तो सारा यदुकुल खलास हो जाएगा। क्या फेंकेंगे? हैं? बांस फेंकेंगे, मिसाइल्स फेंकेंगे, ये उनकी बुद्धि में थोड़ा ही आता है। अभी मालूम पड़ता है बच्चों को कि बरोबर ये एटॉमिक बॉम्ब्स कल पहले भी बने थे जरूर, जिनसे इन्होंने अपने कुल का विध्वंस किया था। क्या ये सारे ही यादव यूरोपवासी सब मारे जाएंगे? जिनको बॉम्ब का नशा है कि हमसे कोई अगर टकराएगा तो हम उसे भस्म कर देंगे। किसको किसको नशा है दुनिया में सबसे ज्यादा है? चाइना वासी बौद्धियों को भी नशा है, रशियंस को भी नशा है, यूरोपियंस को भी नशा है, अमेरिका वालों को भी नशा है। ये सब यदुकुल है। अभी तुम बच्चे तो सन्मुख हो, और जैसे कि बाप आए थे संगम पर सुनाया था, अभी फिर संगम पर बैठकर के सुनाते हैं। कलप पहले भी ऐसे ही तुम बच्चों ने वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़े हुए होंगे। 21964 की वाणी का तीसरा पेज, फिर आकर के सन्मुख बच्चों को पढ़ाए रहे हैं। गीत भी है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात, देखो है ना, फिर है बरसात। तो तुम बच्चों को वास्तव में चलते फिरते उठते
खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। इसको मम्मा को, तुम बच्चों को, सबको खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। भले ये गृहस्थ व्यवहार में अलग अलग हो गए, वैसे तुम बच्चे भी अलग हो गए, क्योंकि भट्टी में पढ़ना था, जरूर कल पहले भी ऐसे ही भागे हुए होंगे नदी पार करके। अगर कृष्ण गया होगा तो कृष्ण के सब संबंधी वगैरह भी चले गए होंगे, ये भी ऐसे ही है। क्या कहा है, कौन नदी पार करके आए हैं? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी कहां से आए हैं? अरे सिंध नदी पार करके आए ना, तो आगे भी भागे होंगे नदी पार करके। और कृष्ण गया होगा तो कृष्ण के साथ सब संबंधी भी सब चले गए, ये भी ऐसे है। कौन कैसे है, है? जो गीता में लिखा है कि नदी पार करके गए, तो ये माने कौन? ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा, ये भी ऐसे ही है। तुम भी तो संबंधी ठहरे ना, सब नदी पार करके गए थे। तुम माने कौन? संबंधी थे ना तुम, कौन है? ब्रह्मा कुमारियां। तुम बच्चे बोला तो ब्रह्मा कुमारियां कहां हुई है? हाँ, जो कृष्ण का बाप है वो कृष्ण का संबंधी हुआ ना, तो कृष्ण का बाप और उनकी सारी प्रजा, सारी राजाई, तो देखो सब नदी पार करके गए। कोई टोकरी और नंद की तो बात नहीं है, क्या टोकरी में डाल के ले गए क्या? ये तो बुद्ध रूपी टोकरी है, जिस बुद्ध रूपी टोकरी में कौन बैठ गया आके हैं? कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल आकर के बैठती है, तो टोकरी में डाल करके नदी से पार हो गए। न कृष्णपुरी में कोई डर की बात, न नंद की कोई बात। नंद माने आनंद देने वाला, तो आनंद देने वाला कौन है? एक शिव बाबा ही तो है, तो वो शिव बाबा नंद अर्थात जो आनंद देने वाला राम है, आराम देने वाला है, उसकी बुद्धि रूपी टोकरी में कृष्ण को बैठाने की बात है, बाकी डर की कोई बात नहीं है। कंस, जरासिंधी भी यहाँ की आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। कहाँ की है? ये ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कंसी भी है जो कन्याओं को कोस रहे हैं, जरासिंधी भी है, जरा माने पुराने, सिंधी माने सिंधी। तो देखो जब आसुरी संप्रदाय है वहां कृष्ण तो हो भी नहीं सकता। बाबा ने समझाया है ना कि देवताओं का पाछा या पैर ये सब पुरानी सृष्टि पर नहीं पड़ते हैं, अगर द्वापर कहें तो भी पुरानी, देवताएं तो पुरानी सृष्टि पर हो भी नहीं सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है।
कृष्ण का नाम देने से ब्राह्मण कुल का ही पता नहीं पड़ता, नहीं तो ब्राह्मण खुद गाते हैं कि ब्राह्मण देवी देवताए नमः है। ब्राह्मणों को देवी देवता कहा जाता है या कृष्ण के यादव कुल को देवी देवता कहा जाता है? परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन किया और अब तुम जानते हो कि बरोबर कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ फिर देवी देवता और क्षत्रिय धर्म में आएंगे और ये ब्राह्मण कुल में तो एक ही जन्म है। देखो ये कितना छोटा कुल है। कौन सा कुल? ब्राह्मणों का कुल। कितना फर्क है देखो। देवताओं के लिए भी तो सारा यहाँ तक दिया है, क्षत्रियों के लिए भी भुजाएं दी है, वैश्यों के लिए पेट दे दिया है। बाकी कलियों को लंबी टांगे दे दी है, ये भी इस समय बच्चों की बुद्धि में बैठता है क्या? क्षत्रियों के लिए भुजाएं क्यों दी है? भुजाएं क्या करती है? सहयोग करती है। तो ये सहयोगी रूपी भुजाएं हैं। वैश्यों को पेट दिया है, वो क्या करते हैं? पेट पूजा करते हैं, पेट के लिए धंधा करते हैं। बाकी कलियुग को लंबी टांगे दे दिए, क्यों? पेट को लंबा नहीं किया, भुजाएं भी इतनी लंबी नहीं, टांगों को इतना लंबा क्यों कर दिया? क्योंकि ज्यादा दुख कौन से युग में होता है? कलयुग में। तो दुख का समय लंबा या सुख का समय लंबा? दुख का समय बहुत लंबा लगता है। ये भी समय में बच्चों की बुद्धि में बैठता है। एक ही बात बच्चों को अच्छा निश्चय हो जाए कि हम आत्मा है और शरीर लेते लेते हमको 84 जन्म आकर पूरे हुए। अभी बाप आए हैं लेने के लिए, गर्भस्थ व्यवहार में रह करके अपने को अलग आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करते रहे। बाबा ने तो बता दिया ना कि याद करते करते अपना चार्ट निकालते रहो कि बाबा की याद में कितना समय गया। अब ये तो बच्चों को जरूर रखना पड़े, भले लिखे नहीं परंतु अपने आपन को समझ तो सकते हैं ना कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं। म्यूजिक बजा। अच्छा मीठे मीठे से कील दे ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार या प्यार और गुड नाइट।